श्याम करण महंत हम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का मेन चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। रॉक टीम मेरा राइट साइड में, रॉक टीम इस इवेंट का हेड है और अनुज हमारा पीआर इंचार्ज। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज सिंस 2013। उस समय खूब रेशियल अटैक दिल्ली में जब हो रहा था तो उस समय हमने शुरू किया था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। हमारा ऑब्जेक्टिव है दिल्ली को, दिल्ली में जो इश्यूज चल रहा था, we all realize that the problem is lack of understanding of Northeast. That is where we thought of starting Northeast Festival. MC Mary Kom, Adil Hussain, various Northeastern icons joined hand and we started Northeast Festival. So 2013 se, I'm giving a small presentation. 2013 se ye shuru hua tha Indira Gandhi Center for Arts, IGNC. 13, 15, 16, 17, 18, 19. सेवन कंसेक्यूटिव ईयर्स हम लोग दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किया। और आपको देखिएगा स्केल वाइज ये दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन गया। इतना क्राउड दिल्ली में एक ही जगह में कहीं नहीं, इट्स द हाईएस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल इन वन प्लेस। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लास्ट दो साल में हम लोग कोविड के समय वी कुड नॉट डू इट। लास्ट टाइम हम करने वाला था दिसंबर में, उस समय ओमिक्रॉन का बड़ा झटका आया और हमने लास्ट में कैंसिल कर दिया। पिक्चर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हैज बीन, सो एट स्टेट्स वन कॉमन फेस्टिवल, इस बार जो हमारा राज्य एक कॉमन फेस्टिवल। एंड नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इज नॉट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट, इट इज फॉर दिल्ली। तो इसीलिए लास्ट फ्यू ईयर्स में पंजाबी हरियाणा, इट्स अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल। यहाँ में क्राउड का एक्यूसी, वहाँ का क्राउड का ऐसा सिचुएशन होता है, फूड सोल होता है, पूरा दिल्ली वाला दिल्ली का जनरल क्राउड लाइक भर जाता है। तो कुछ फैशन शो होता है, म्यूजिकल शोज होता है, क्राफ्ट का एग्जीबिशन होता है। साथ हम कुछ कैंपेन्स करते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही मेनली दे लुक आफ्टर द इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेशियल एंगल। सो दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट सेल्फ के साथ मिलकर हम लोग कुछ क्विज कॉम्पिटिशन कर रहा है नॉन नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए। नो योर नॉर्थ ईस्ट नाम का एक कैंपेन सीरीज ऑफ क्विज कॉम्पिटिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड मीडिया में। थैंक्स टू यू, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का इतना बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ दिल्ली मीडिया। हम लोग एक ट्रस्ट है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनर एमएस, नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट। हमने शुरू किया था, हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। हम लोग शुरू किया था टू मेक पीपल नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, लेकिन लास्ट इतना साल में इतना बड़ा स्केल में हुआ ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया। पहले आई वांट टू गिव द ग्रेटेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मीडिया पीपल। हमारे वहां से आपके लिए हमारा कृतज्ञता हम देना चाहते हैं। वी वांट टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टू मीडिया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फेमस हुआ बिकॉज ऑफ मीडिया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है होर्डिंग लगाने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है न्यूज पेपर एंटरने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है ये जो कैंपेन जो होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, थ्रू मीडिया हम मैसेज को कन्वे किए हैं, और मीडिया ने इतना एबीसी सॉ द न्यूज, ये पूरा सभी न्यूज पेपर्स में ऑलमोस्ट सेकेंड पेज हिंदुस्तान वेरियस पेपर्स का फर्स्ट पेज में भी आया था। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये मीडिया कैंपेन से इतना बड़ा अवेयरनेस बन रहा है। पहले नेरेटिव था अल्फा, NSCN, फ्लड, इंसर्जेंसी, डिस्टर्बेंसेस। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से नेरेटिव क्या चेंज हुआ, नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से नेरेटिव शुरू किया, रेस्ट फूड, नॉर्थ ईस्ट का फूड बहुत पॉपुलर हो गया। This is a, we must have gone 1000 news report on this festival के ऊपर आया है। Later on हम लोग इसको tourism में ज़्यादा focus करना शुरू किया। इसमें North East का जो sellers है और Delhi का buyers के बीच हम लोग कुछ B2B भी किया। पहले हम लोग को racial attack issue को handle करना कोशिश किया। Later on इतना famous हो गया, it has become a tourism festival। Tourists आके हम दिखाता है tourists के बारे में, North East के बारे में, और B2B कुछ interaction शुरू किया। Buyers sellers meet between buyers and sellers. तो अभी दिस आर द बायर्स एंड सेलर्स मीटिंग फ्रॉम मैरी कॉम, सभी पॉपुलर एवरीबॉडी इज देयर। नॉर्थ ईस्ट का सभी आइकॉन्स यहाँ आता है, लवलीना बरगोहाँ, हिमा दास, मीराबाई चानू, सभी नॉर्थ ईस्ट का आइकॉन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से एसोसिएट होना शुरू कर दिया। एंड टूरिज्म इसमें इतना कलरफुल होता है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, फॉरेन टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पे आता है। You
वीडियो हमारा खुद का वीडियो है, माने हमारा कंटेंट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए था। इसका पॉजिटिव साइड दिल्ली में आया है और रेशियल अटैक कौन हो रहा है 2013-14 में इफ यू रिमेंबर एक बॉय कॉल नीदू टेनिया वाज किल्ड अरुणाचली बॉय उसका हेयर स्टाइल अलग था एंड ही वाज किल्ड इसके बाद कंटिन्यूअसली कुछ रेशियल इशू दिल्ली में होता था और धीरे धीरे ये बहुत कम होते हो रहे हैं इट इज रिड्यूस सब्सटेंशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन लॉट ऑफ इनिशिएटिव एंड नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑल्सो प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग द रेशियल इशू सो 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इस बार हो रहा है 23-25 दिसंबर में 10 दिन 12 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली गेट नंबर 14 जो जवाहरलाल स्टेडियम का है उसका बाहर जहां में जो ग्राफ फेस्टिवल होता है हॉर्नों के फेस्टिवल दैट हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल वेन्यू पहले हम लोग आईजीएनसी में किया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स अभी उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया है जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जरा एक्सपेंसिव वेन्यू है वेन्यू देने में हमको बहुत पैसा देना पड़ता है बट दिल्ली का एलिट क्राउड दिल्ली का पॉपुलर पीपुल मीडिया पीपुल वहाँ जाता है इसीलिए हमारा ऑडियंस वही है हम लोग का ऑडियंस दिल्ली क्राउड्स हमारा ऑडियंस है टूरिस्ट हमारा ऑडियंस है सो इस बार जरा पहले से जरा नैरेटिव चेंज हुआ बिकॉज कॉस्ट बहुत बढ़ गया है बट द कॉन्सेप्ट हम लोग इस बार यही कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट चेंज हो रहा है 2013 में जब हमने शुरू किया था दिल्ली गुवाहाटी का 2-3 फ्लाइट था आजकल अराउंड 45 फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी दिल्ली टू आइजोल देयर डायरेक्ट फ्लाइट देयर इज अ डायरेक्ट फ्लाइट टू दिल्ली टू इम्फाल दिल्ली टू अगरतला एवरी स्टेट हैज एन एयरपोर्ट एंड गुवाहाटी आजकल कंट्री का फिफ्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ गुवाहाटी इज बिजियर देन मेनी मेट्रोज नाउ एंड दिल्ली सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी है तो टूरिज्म दिल्ली इतना कॉन्क्रीट जंगल से नॉर्थ ईस्ट इतना जबरदस्त लोकेशन हमारे पास है तो ऑब्जेक्टिव इस बार हम टूरिज्म को हाईलाइटिंग दिल्ली इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट इन इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर वहां में हम लोग सब कनेक्टिविटी कैसे कैसे फ्लाइट है कितना ट्रेन है पहले वो देखा है वंस यू एंटर बिकॉज यहाँ का लॉट ऑफ पीपल थिंक देयर कि कोई पूछता है कि कहाँ है गुवाहाटी शिलोंग कहाँ है लॉट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इतना फ्लाइट है एंड इतना कनेक्टेड है तो नॉर्थ ईस्ट चेंज हो गया लास्ट मेनी ईयर्स हमने जब से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया है रोड कनेक्शन इज एब्सोल्युटली गुड एंड देयर इज नो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम पहले जो अल्फा खत्म मोस्ट ऑफ द इंसर्जेंट ग्रुप्स हैज कम ऑन बोर्ड सो लॉ एंड ऑर्डर वाइज नॉर्थ ईस्ट इज मोर सेफर एट एनी डे गुवाहाटी इज मच सेफर देन मेनी मेट्रो सिटीज गुवाहाटी ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट हैज चेंज एंड हम लोग दिखाना कोशिश कर रहा है चेंज नॉर्थ ईस्ट पहले हम लोग था हम लोग रेशियल इशू ये है नहीं नाउ वी हैव क्रॉस दैट बैरियर हम लोग वी आर ए कॉन्फिडेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हमें दिखाना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है फर्स्ट थिंग इज कनेक्टिविटी सेकेंड थिंग इज दैट टूरिज्म डेस्टिनेशन दिल्ली वालों को हमारा ऑब्जेक्टिव है वहाँ नॉर्थ ईस्ट को एंटाइज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का क्या क्या है मेघालय में क्या क्या है मणिपुर में लोक टक है मेघालय में शेरापुंजी है एंड दिस ब्यूटिफुल केव्स और मिजोरम का जो ब्यूटी ऑफ मिजोरम आसाम का वाइल्ड लाइफ वेरियस डेस्टिनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इसमें दिखाया जाए दैट इज द फर्स्ट थिंग शोकेसिंग द इनक्रेडिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट विल बी द मेन ऑब्जेक्टिव सेकेंडली विल ऑल्सो हाईलाइट द फ्रीडम फाइटर्स नॉर्थ ईस्ट का लॉट ऑफ पीपल हैज फॉट गैलियंटली इन द फ्रीडम स्ट्रगल विल हाईलाइट द फ्रीडम फाइटर्स एंड आइकॉन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट देन कल्चरल स्पेक्टेकल अराउंड 500 आर्टिस्ट आए 500 आर्टिस्ट आके अब जो हमें देखा है डिफरेंट डांस फॉर्म्स वहां में होगा 60 फूड स्टॉल्स होगा जिसमें 40 नॉर्थ ईस्ट से है 20 फूड स्टॉल दिल्ली से है और इस बार विजिटेरियन सेक्शन भी हम लोग किया है क्योंकि विजिटेरियन क्राउड बहुत ज्यादा है तो विजिटेरियन सेक्शन भी रहेगा नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन रहेगा और दिल्ली का फूड भी हम इसलिए किया है
is an idea to mix it up. पहले हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोल रहा था. Now we are saying that we'll connect Delhi culture will be part of North East festival. So that is an idea to connect both dimensions. So food festival wise, Delhi के सबसे बड़ा food festival हम लोग करेंगे. दिल्ली में जितना हुआ है उससे बड़ा होगा और बेहतर होगा. मैं दावा से बोल सकता हूँ 2019 में हमने जो किया था दैट इज कंसीडर दिल्ली बिगेस्ट एवर फूड फेस्टिवल. इस बार उससे ज्यादा है. तो फर्स्ट थिंग आई एम प्रॉमिसिंग इन फ्रंट ऑफ यू वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिल्ली बिगेस्ट फूड फेस्टिवल नंबर वन. नंबर टू म्यूजिकली वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिल्ली बिगेस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल. हमारे पास 30 म्यूजिकल बैंड्स होंगे. एक रॉक बैटल कॉम्पिटिशन होगा जिसमें हिंदू कॉलेज वेंकटेश्वर कॉलेज लोग पार्टिसिपेट करेंगे. नाम है NEF रॉक बैटल. वो दिन में होगा. रात में क्या होगा, बड़ा बड़ा म्यूजिशियंस आएगा. आसाम का जुबिन गर्ग आएगा, पंजाब का दिल्ली का वेरी पॉपुलर रैपर आएगा, डीजे आएगा. इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव दिल्ली का कंटेंट भी इंक्लूडेड. नॉर्थ ईस्ट का रॉक बैंड आएगा, फोक बैंड आएगा, साथ में दिल्ली का पॉपुलर आर्टिस्ट चाय में टोस नाम का बहुत पॉपुलर बैंड आएगा. सो आइडिया इज दैट टू अट्रैक्ट मोर दिल्ली क्राउड इन द इवनिंग. दिन में हम लोग क्रिसमस समय है, पूरा बढ़िया क्रिसमस एटमोसफेयर क्रिएट करेंगे. उसमें यू कैन हैव योर केक्स, यू कैन हैव योर एंटायर सांता एटमोसफेयर. क्रिसमस का एक एटमोसफेयर हम लोग करेंगे वहाँ में. एंड देन एक्जोटिक प्रोडक्ट्स. नॉर्थ ईस्ट में आजकल बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहा है. नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट आजकल यूरोप जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. रिसेंटली हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल किया था बैंकॉक में. थाईलैंड का भी बहुत डिमांड आया है नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट का. थाईलैंड में भी डिमांड आया है. यहाँ का जो एग्रो प्रोडक्ट्स आएगा वो इसमें बहुत डिमांड है. लेमन असम लेमन होता है, एलिफेंट एप्पल होता है, इसमें भूत जुरुकिया होता है, नो किंग चिलीज. एंड देन लॉट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स आए. ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट भर भर गया है. तो दिल्ली क्राउड इतना जो प्रोडक्ट नहीं देखा है वो हमें डिस्प्ले होगा. बाकी इसमें फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा एग्जीबिशन होगा. 150 स्टॉल्स होगा जिसमें एंटरप्रेन्योर्स आएगा, फूड प्रोसेसिंग, बैम्बू का प्रोडक्ट आएगा, कैन का प्रोडक्ट आएगा और बाकी रबर का प्रोडक्ट आएगा और एग्रीकल्चर का मोस्टली प्रोडक्ट आएगा. सो एग्जीबिशन होगा एक्जोटिक प्रोडक्ट्स का. एक आर्ट एग्जीबिशन होगा, फैशन शो होगा. फैशन टीम इवनिंग में 16 डिजाइनर्स हमें शोकेस करेगा. सो म्यूजिक, फैशन, फूड, देन हमारा B2B मिक्स कर रहे हैं. सो एग्रीकल्चर का हमारा गांव से वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. दीज आर बेसिकली स्मॉल MSME एंटरप्रेन्योर्स. मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसमें स्पॉन्सर किया है. जो एंटरप्रेन्योर गाँव से आ सकता है, कोने कोने से आएगा, उसका ट्रेवलिंग कॉस्ट बस वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्पॉन्सर किया है. तो देयर बी एन एग्जीबिशन व्हिच इज MSME एग्जीबिशन. देयर बी स्टार्टअप एग्जीबिशन, यंग यंग स्टार्टअप यहाँ में एग्जीबिट करेगा. देन आर्ट एग्जीबिशन, फैशन शो इन द इवनिंग. दिन में हमारा जो रासलीला होगा मणिपुर का, आसाम का एक अंकिया भावना होगा और बाकी वी हैव गॉट लॉट ऑफ नागा मणिपुरी डांस फॉर्म्स, मिजो डांस फॉर्म, सभी स्टेट का लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स इसमें आएगा. और यंग म्यूजिशियंस यहाँ में परफॉर्म करेगा. दिन में ओपन माइक किया है जो क्रिएटिव टैलेंट्स को वहाँ पर डिस्प्ले करेगा. कोई व्हाट यू कॉल कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करेगा, कोई गाना गाएगा, समबडी विल परफॉर्म देयर फोक म्यूजिक. एंड देन रॉक बैटल होगा दिन में एंड फोक परफॉर्मेंसेस फ्रॉम वेरियस म्यूजिशियंस. एंड इवनिंग से वो जो कल्चरल इवनिंग होगा, कौन कौन म्यूजिशियंस होगा रॉक टीम विल एक्सप्लेन. When चाय में टोस्ट इंडिया का बहुत बड़ा बैंड है, इंडी बैंड, वो हेडलाइनिंग होगा. उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट है, जैसे लिंगलो फ्रॉम मेघालय, ट्रांस अफेक्ट फ्रॉम नागालैंड, देयर इज इनोसेंट आइज फ्रॉम मणिपुर, जुबिन गार्ग फ्रॉम असम, आसुज प्रोपात्रो फ्रॉम असम, विपुल छेत्री फ्रॉम सिक्किम रीजन, सिक्किम दार्जिलिंग. एंड There are more Northeastern artists who are still adding. उसके ऊपर भी दिल्ली का जो बहुत बड़ा रैपर है इक्का, जो बादशाह के साथ उनका बहुत सारे गाने हैं, वो भी परफॉर्म करेंगे. और लाइनअप में सारे यंग Northeastern talents भी रहेंगे. ऊपर से हमारा जो रॉक बैटल है वो हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल रॉक बैटल नाम दिया गया है, बट इट इज ओपन टू ऑल बैंड्स. Specifically, we are targeting the colleges of Delhi, जो वहाँ पे mostly participate कर रहे हैं. Last कुछ सालों से भी north जो North East Festival का rock battle है, उसमें Delhi के college ही perform करते हैं ज़्यादा, जो participate करते हैं. North East से travel करके यहाँ पे
बैंड परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन बैटल के लिए दिल्ली से जो कॉलेजेस है वहाँ से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल इन्फॉर्मेशन नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लैंग्वेज, पीपल, कल्चर, हीरोज। एक बुक हम उस दिन रिलीज करेगा और इस बुक को हम दिल्ली का कॉलेज स्कूल्स में बांटेगा। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द दिल्ली कॉलेज एंड स्कूल्स। हमारा ऑब्जेक्टिव है दिल्ली का यूथ कम्युनिटीज को हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाना इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग एक बुक रिलीज कर रहे हैं। सो फेस्टिवल शुरू होगा 23 तारीख, 23 तारीख सुबह से 12 बजे से एग्जीबिशन शुरू होगा एंड 7 o'clock इवनिंग फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। पार्लियामेंट टाइम्स है इसीलिए हम लोग फॉर्मल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 23 तारीख इवनिंग मिस्टर किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, वो हमारा माननीय टूरिज्म मंत्री भी है, संस्कृति मंत्री भी है और नॉर्थ ईस्ट का भी मंत्री है। तो एक आदमी जो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल का मेन इधर पर कल्चर एंड टूरिज्म और वो नॉर्थ ईस्ट का है। सो बेसिकली ही वी हैव रिक्वेस्टेड हिम टू बी द चीफ गेस्ट, ही हैज ऑलरेडी ऑफिशियली अप्रूव्ड ही विल कम। तो इनॉग्रेशन में हो बाकी नेक्स्ट डे मिस्टर सोनवाल साहब आएगा, सर्वानंद सोनवाल, मिस्टर किरण रिजिजू साहब आएगा, मिसेस गोयल जी आने का बात है, सोनवाल साहब रिजिजू साहब कन्फर्म हो गया एंड देन सेक्रेटरी कल्चर, सेक्रेटरी टूरिज्म, सेक्रेटरी डोनर एवं कल्चर के हैं। Then there will be many more I expected actually. Mostly 24 evening, 24 evening, 7 o'clock हम लोग नो योर नोटिस बुक रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा पूरा स्कूल कॉलेज में ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बाकी इस बार एज आई टोल्ड यू नोटिस फेस्टिवल इज अबाउट अ वाइब्रेंट नोटिस। इस बार हम टूरिज्म का एक बी टू बी मीट कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग, जिसमें दिल्ली का टॉप टूर ऑपरेटर्स लोग बुलाया है, नॉर्थ ईस्ट का टूर ऑपरेटर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट लोग आ रहे हैं, वहाँ में बी टू बी मीट होगा। जैसे चंडीगढ़ से भी आ रहा है, अमृतसर से भी आ रहा है टूर ऑपरेटर्स। ऑब्जेक्टिव मॉडर्न इंडिया के साथ नॉर्थ ईस्ट का टूरिस्ट आने के लिए दोनों तरफ से बी टू बी मीट होगा। ए होगा टूरिज्म ऑन 23rd। एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एपेडा इज डूइंग बी टू बी मीट ऑन एग्रीकल्चर। सो हमारा गाँव से जो हमारा किसान आएगा, हमारा एंटरप्रेन्योर्स आएगा, उसके साथ एक बी टू बी मीट होगा एक्सपोर्टर के साथ और दिल्ली बायर्स के साथ। सो एक मार्केटिंग लिंकेज को एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, टूरिज्म, दैट इज वन पार्ट बी टू बी मीट्स, बायर सेलर्स मीट। एक है एग्जीबिशन, एक है फूड, एक है कल्चर और एक है इंटीग्रेशन। सो यही है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। 23, 24, 25, 26 दिसंबर में होगा। हमको यही रिक्वेस्ट है कि आपका हेल्प चाहिए टू सेंड द मैसेज अक्रॉस। मैं दिल्ली वाले को यही बोल सकता हूँ, दिल्ली बिगेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल हम लोग करें, दैट आई कैन प्रॉमिस यू, बिकॉज आपने दिखा है हमने क्या दिखाया है, इस बार इससे बेहतर हो। सो दैट प्रोडक्ट दिल्ली का सबसे अट्रैक्टिव कलरफुल फेस्टिवल इज ऑन 23rd, 24th, 25th, 26th of December। यू ऑल आर वेलकम एंड वी नीड योर सपोर्ट टू कम्युनिकेट दिस मैसेज अक्रॉस दिल्ली सो दैट मोर पीपल कैन कम एंड सी द नोटिस एंड इट विल हेल्प इन नेशनल इंटीग्रेशन, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग रेशियल अटैक। And this is also an entertainment for people of Delhi. Thank you. Man, people have variety. People have variety. So the objective is of integration. Objective of integration of North East and East. So North Indian food को हम लोग food stalls को हम बुला रहे हैं। शुरू किया था 2013-14 में, उसमें बहुत ज़रा problem था। उसमें हमारा लोग को, हमारा friend लोग को room नहीं मिलता था। मैंने many areas में room नहीं मिलता। तो हम लोग भी बहुत कैंपेन किया था इसके बारे में, हम RWA सब मिल के बहुत कैंपेन किया। लास्ट मेनी ईयर्स में ये कम हो गया, इट कैनॉट बी से टोटली खत्म हो गया, अभी भी है, अंडर करंट तो है कभी कभी फिर, बट इट इज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। बट इसलिए हुआ, गवर्नमेंट मीडिया से बहुत फोकस हुआ है, मीडिया का भी बहुत, मीडिया ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फोकस मीडिया ने इसलिए दिया। सो मीडिया चाहता है कि पीपल नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का पार्ट है, पहले देश कहाँ से बाहर, चाइना से है, दैट वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड 2012-13-16 में, वही प्रॉब्लम था। आजकल ये हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली, बहुत कम हो गया, अभी भी है, कोई कोई बोलता है कि ऐसा कुछ है, अभी भी है, बट इट्स गॉन डाउन। बुक्स में एक प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन क्यूरिकुलम में इसमें ज़्यादा आना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वी आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्कूल क्यूरिकुलम में नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हीरो के बारे में कुछ और डिस्कस हो, नॉर्थ ईस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन। इस बार हम इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स को दिखा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट आपने फ्रीडम में भी भाग लिया था, सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हम वही कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक प्रॉब्लम पहले से बहुत कम हो गया है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव मीडिया रोल, और हमारा उसे थोड़ा थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फोकस मिल गया, दैट हैज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्थ ईस्ट।
इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में फोकस इज अपॉन फूड होगा, फैशन होगा, क्राफ्ट होगा, कल्चर होगा और टूरिज्म होगा, वही नैरेटिव हम लोग हम कैसे इसको बंद करते हैं। सो थ्रू नेगेटिव परसेप्शन को बंद करने के लिए हम एक पॉजिटिव परसेप्शन का कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट में। दैट्स व्हाई मीडिया का रोल इतना जरूरी है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल है, अकेला हम लोग उस कल्चरल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ असम ने ऑर्गेनाइज किया था, पूरा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हुआ था, हमारा टीम हो गया, तो इसीलिए हमारा टीम को बोला कि आप लोग हेल्प करो, तो हम लोग ने पूरा कल्चरल कॉन्टेंट बनाया था। इस बार भी हम लासिक के बारे में वहाँ में जेल भी लासिक के बारे में हम लिखा है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस लासिक का रोल के बारे में हम लोग वहाँ में डिस्प्ले करें। सिमिलरली जैसे टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाएगा, आप जब घूमेगा यू नो अब मणिपुर मेघालय मिजोरम साथ साथ लासिक बोरफुकन और एक है हमारा शंकरदेव गुरु शंकरदेव है बा जयचंद्र सिंह मणिपुर का था, रानी गाइदलू था, सभी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। सो दैट घूमने से आदमी को पता चल जाएगा अबाउट नॉर्थ ईस्ट, वही हमारा। आज दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जो जितना भी फेस्टिवल है हर साल मनाते हैं, कोविड में नहीं मना सके, लेकिन अब दिल्ली में 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको मनाया जा रहा है। सर हमारे बीच में है, वैसे तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हिंदुस्तान से जो भी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं और अच्छी बात होगी। तो सर जी, किस तरह का आपका ये मिशन और किस तरह की आपकी सोच है जो यहाँ पूरे भारत को एक जोड़ने की आपकी जो मुहिम है वो नज़र आ रही है? क्योंकि कभी ऐसे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग है, कुछ लोग जो हैं वो अपने को असहाय महसूस करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, वही कोशिश है, 2013 से कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हम लोग शुरू किया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में, और कंटिन्यूस हम लोग कर रहा था 2021 में कोविड के समय तक। इतना पॉपुलर बन गया, एक ही एडिशन 1,00,000 आदमी आता है, तो स्केल इतना बड़ा हो गया। दिल्ली में कोई ऐसा जगह नहीं है जितना बड़ा फेस्टिवल भी होता है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गया इसके बाद। और इस बार हम लोग 23-25 को कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गेट नंबर 14 के बाहर। आप लोग नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक गया नहीं, क्या है नॉर्थ ईस्ट उसमें हम दिखाएंगे, मिजोरम के बारे में दिखाएगा, मणिपुर मेघालय टूरिज्म बेसिकली हम दिखाना कोशिश करेगा, संस्कृति नॉर्थ ईस्ट का जो डांस फॉर्म्स होगा, अराउंड 500 आर्टिस्ट उसमें परफॉर्म करेगा। इसके साथ इसका फूड, नॉर्थ ईस्ट का फूड जरा अलग है, जो नॉर्थ ईस्ट का 40 फूड स्टॉल रहेगा और नॉर्थ इंडियन फूड भी रहेगा, वेजिटेरियन फूड भी रहेगा, सबके लिए सब कुछ ना कुछ रहेगा। एग्जोटिक प्रोडक्ट, अब ऑर्गेनिक आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का वेजिटेबल ऑर्गेनिक है, पूरा बड़ा एग्जीबिशन होगा नॉर्थ ईस्ट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, केन बैम्बू क्राफ्ट का भी वेरियस एग्जोटिक प्रोडक्ट उसमें मिलेगा। साथ में आपका एक आर्ट एग्जीबिशन होगा और म्यूजिकली बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा, दिल्ली का सबसे बड़ा म्यूजिकल फेस्टिवल होगा, और इसके साथ कुछ फैशन शो भी होगा। सो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा को देखने के लिए, दिल्ली में इतना अट्रैक्टिव प्रोग्राम, इससे बिगेस्ट प्रोग्राम इन दिल्ली, तो हम कोशिश करेगा कि दिल्ली वासियों को अट्रैक्ट करने के लिए। सो दिल्ली वासियों के लिए इसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट का खाना का बारे में, नॉर्थ ईस्ट का एटीट्यूड, एवरीथिंग हिस्ट्री सभी इसमें दिखाया जाएगा। साथ में क्रिसमस एटमोसफेयर, क्रिसमस में दिल्ली लोग बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ में हम लोग एक क्रिसमस एटमोसफेयर बनाएगा, और आप सबको निमंत्रण है, आप लोग आइए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। टूरिज्म का अभी पीछे एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें जो टूरिज्म मिनिस्टर आसाम के आए हुए थे, बाद में जो है सीएम साहब भी यहाँ पर दिल्ली में आए कल्चर प्रोग्राम में एक, तो वो एक अच्छी बात है। लासिक दिवस प्रोग्राम किया था हम लोग, बिल्कुल आप थे उसमें, कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा ये वो उसका वही लासिक दिवस बहुत अच्छे तरह से हो गया। अभी इसको पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और इसमें फूड होगा, म्यूजिक होगा, और एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।